नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार को विशिष्ट सहयोग दिए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। तो दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले सड़क निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया और इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है नितिन गडकरी। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको उनका स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद राज्य की बेहतरी के लिए क्या कुछ हो सकता है, लगातार वो राज्य की बेहतरी के लिए मांग भी कर रहे हैं और सभी केंद्रीय मंत्रियों से उनको सौगात मिल भी रही। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य की बेहतरी के लिए जो पहल कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा। मिशन विकास पर सीएम धामी की जो रफ्तार है वो तेजी से और राज्य की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही है। तो दिल्ली में तमाम राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंत्रा हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की और कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया और उसकी सहमति भी मिली, राज्य के लिए यह कितना बड़ा सौगात है अभय? इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए कुछ ना कुछ सौगात जरूर लेकर आते हैं। अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई सरकार के गठन के समय दिल्ली पहुंचे थे तब भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही राज्य के लिए कुछ बड़ी सौगातें लेकर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, आपके नितिन गडकरी, इन सभी से मुलाकात यहां पर हो चुकी है और आज भी संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेल मंत्री से आज मुलाकात यहां पर कर सकते हैं और राज्य के लिए कुछ रेल परियोजनाओं की कुछ सौगातें, कुछ नई रेल की लाइनों की कुछ सौगातें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अभी तक जो सौगातें राज्य को मिली उस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी तो राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले 256 किलोमीटर के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में अनुसूचित करने की मांग यहाँ पर की थी, जिस पर सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर मिल चुकी है। नैनीताल के जो प्रसिद्ध धाम है कैंची धाम, उसके बाईपास की सैद्धांतिक सहमति यहाँ पर मिल चुकी है और इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे तो उन्होंने जो रक्षा मंत्रालय की जो भूमि थी उन्हें नैनीताल में पार्किंग के लिए देने के लिए मांग उन्होंने कही थी, जिस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री तरफ से भरोसा यहाँ पर दिया गया था और आश्वासन जताया गया था कि जल्द ही उसकी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जब राज्य के विषयों पर बातचीत उन्होंने की थी तो जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की जो लंबित थी उनको पुनः शुरू करने की मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा यहाँ पर दिया है। उत्तराखंड राज्य जो मानसून के समय कह सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का दंश यहाँ पर झेलता है, राज्य को जान और माल का बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है, तो उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से जब मुलाकात यहाँ पर हुई थी तो आपदा मोचन निधि में जो पुनर्निर्माण की जो राशि थी उसको बढ़ाने की मांग सीएम धामी की तरफ से यहाँ पर की गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य के लिए जो जरूरी विषय है उन सभी जरूरी विषयों पर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और राज्य के लिए किस प्रकार से सौगातें लेकर आ सकते हैं उसको लाने का काम सीएम धामी वहां पर कर रहे हैं। यानी जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड में वापस लौटेंगे तो उनके पास एक बड़ी फेहरिस्त होगी राज्य की जनता के लिए सौगातों की कि उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ सकता है। ये केंद्रीय साहित्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इस रूप में भी यहाँ पर मिल सकता है कि उत्तराखंड में जो 2025 तक का लक्ष्य जो राज्य सरकार की तरफ से चुना गया है और उत्तराखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करने के लिए उस पर केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ा योगदान यहाँ पर साबित हो सकता है और उसके लिए जरूरी है। हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये देखा कि लगातार जिस तरीके से वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य की चाहे सड़कों को लेकर हो, पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक राज्य सरकार के पास वो होनी चाहिए, बाकी राज्यों की तुलना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सब चीजों के मामले में आगे रहते हैं और आगे पहल करके राज्य की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अभय, अभय आप सुन पा रहे मुझे? ठीक है, तो अभय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है जहां बन रही रिंग रोड का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। बताया जा रहा है कि रिंग रोड को इस साल के अंत तक बनकर तैयार होना था लेकिन निर्माण काम धीमी गति से होने के कारण अब 2025 में ही रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही है रिंग रोड में 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। रिंग रोड के तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अगली खबर रुड़की से है जहां राज्य योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाई जा रही सड़क में लगाई जा रही जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता पर क्षेत्रवासियों ने सवाल खड़े किए। किसान यूनियन नेताओं ने भी अपना विरोध जताया। आपको यह बता दें कि विरोध को देखते हुए अधिकारियों ने फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही मामला पाडली गुर्जर नगर पंचायती के तेलीवाला का है यह पूरा मामला और लोक निर्माण विभाग द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था। जो तेली वाला पार्डी गुजर में कार्य चल रहा है अभी टाइल्स का कार्य चल रहा है जो मुख्य मार्ग है उस पर चल रहा है उसमें मैं स्वयं साइट पे गई थी निरीक्षण करके आई थी तो उसमें टाइल्स में जिन टाइलों में कमी है वो सब हमारे द्वारा निकाली जा रही है। कुछ टाइल हमारे द्वारा कल भी निकाली गई है और आज भी हमारे जेई साइट पर गए हुए हैं। जो भी कमियां होंगी वो हमारे द्वारा ठीक कराई जाएंगी। तो राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे लेकिन 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य यानी एविडेंस अधिनियम 2023 लागू होने के बाद यह संभव नहीं हो पाएगा। आपको यह बता दें कि डोईवाला कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों को 3 नए कानून की जानकारी दी। पुलिस कर्मियों ने यह बताया कि देश में लागू हो रहे 3 नए कानूनों का मकसद लोगों को समय से न्याय दिलाना है। तो 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू हो और नए कानून से लोगों को रूबरू किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है डोईवाला पुलिस की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है जहां कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक हुई। साथ ही प्राधिकरण की इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए। कुमाऊं कमिश्नर ने यह कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित करे जिसमें अधिकतर बेल और रेंगने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को ये निर्देश दिए गए। तो कुमाऊं कमिश्नर की बैठक और हाउसिंग कॉलोनी मॉल में वाटर और कई अहम बातों पर इस बैठक में चर्चा हुई। हाउसिंग कॉलोनी मॉल में वाटर हार्वेस्टिंग।
दो चीजों पर निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पे निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन के चलते भूस्खलन से रास्ते बाधित होने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। भूस्खलन के चलते आज पास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ जाता है, आसपास के क्षेत्रों में, जिसके चलते इस साल मानसून से पहले ही सारे विभाग अपनी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अभियंता ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अभी तक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सेंसिटिव जोन में जेसीबी की तैनाती की जा चुकी है, जिसमें इस बार जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि कोई मार्ग अगर बंद हो तो उसकी लोकेशन पता लगाई जा सके। साथ ही सभी खंडों में सहायक अभियंतों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है और उनके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दिए गए। मानसून की एंट्री, अब देखना है कि ये मानसून की जो एंट्री हुई है राहत बनकर आती है या मुसीबत, क्योंकि लैंडस्लाइड जोन चिन्हित कर लिए गए हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या घटना होती है तो जीपीएस सिस्टम से उस लोकेशन का पता चल जाएगा। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुकेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है। विधानसभा सीटों पर स्टार प्रचारकों की हाई कमान से डिमांड की गई। आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सीट से सांसद इमरान मसूद और राजस्थान से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की केंद्र से डिमांड की गई। बद्रीनाथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ प्रदेश के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो उपचुनाव का रणभेरी बच चुका है और कांग्रेस ने इसके लिए कमर भी कस ली है, जीत का दावा कर रही है दोनों सीट पर, और हाईकमान से स्टार प्रचारकों की डिमांड भी की गई है। ये दो ही उपचुनाव उत्तराखंड में है, आदरणीय पायलट साहब की, आदरणीय हमारे मसूद साहब की डिमांड की है पायलट, हमारे गाजी निजामुद्दीन ने, और हमारी प्रभारी भी वहाँ आएंगी। और जहाँ तक हमारे बद्रीनाथ चुनाव की बात है, बद्रीनाथ चुनाव में आदरणीय यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गोदियाल जी और मैं, भुवन कापड़ी जी और हमारे कई अन्य विधायक वहाँ डेरा डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज से मैं भी 5 दिन के प्रवास में वहीं जा रहा हूँ। तो सभी सारे और हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं वो अपने आप में खुद स्टार प्रचारक हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पत्नी रिनकी भुइया शर्मा के साथ मां कामाख्या धाम में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षाजनंद महाराज से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही शंकराचार्य को अंगवस्त्र गमछा देकर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं कामाख्या मंदिर सहित राज्य के सभी धर्मस्थलों के विकास और धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण पर चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर उन्होंने हमला बोला, साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी बड़े आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिला अपराधों से जुड़े मामलों में भाजपा के नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होती। साथ ही करण महारा ने हरिद्वार की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की भी मांग की। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने
राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग की। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़िया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुटभाई नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी भादराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया, ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है। अगली खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। आपको यह बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग में फॉन्टो जोन जंगल सफारी घूमने गए, पर्यटकों को भी इस बारिश में फंसना पड़ा। आपको बता दें कि बारिश के कारण जंगल में पानी भरने लगा, जिसके कारण कई गाड़ियां सड़क पर ही फंस गई। फिलहाल बारिश को देखते हुए पार्क को 1 जुलाई से बंद करने का फैसला लिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारी बारिश से जंगल से जाने वाली तमाम सड़कें खराब हो चुकी हैं। इस दौरान उन सड़कों को भी ठीक कर लिया जाएगा। हेलो। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो सटीक साबित हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल सफारी के दौरान सड़कों पर पानी भरा है। वहां पर जो पर्यटक गए थे वो कितने बुरी तरीके से भारी बारिश में फंस गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। आपको ये बता दें कि मौसम विभाग द्वारा की गई जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई, जिसके चलते मौसम विभाग के मुताबिक आगामी यानी 30 जून से 30 जुलाई तक पूरे एक महीने भारी बारिश की संभावना जताई गई। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। तैयारियों को लेकर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह बताया कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए प्रदेश भर में 3 जगहों पर सुरकुंडा देवी, लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार लगाए गए और तीनों डॉपलर रडार पूरी तरह से सक्रिय। तो प्रदेश में मानसून बिल्कुल आ चुका है और मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सटीक हुई थी। तो अब 30 जून से 30 जुलाई तक यानी पूरे पूरे एक महीने मूसलाधार बारिश होगी और मौसम में बड़ा बदलाव अब देखने को मिला। हमारे उत्तराखंड में 3 लगे हैं और तीनों फंक्शनल है, सुरकुंडा देवी है, लैंसडाउन है, मुक्तेश्वर है। और ये 100 किलोमीटर रेडियस में अपना ये डिटेक्ट करता है कहाँ पर वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। इसका एडवांटेज है कि ये काफ़ी रियल टाइम में काम करता है, जैसे वेदर पैटर्न क्लाउड फॉर्मेशन हर सेकंड चेंज होता है, तो ये हमको इमीडिएट आज अभी तुरंत क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। जो तो बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। जारी हुई सूची में पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हो जाएगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को ही हो जाएगी। कांग्रेस से जब उनके स्टार प्रचारक के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं, वे ये नजर आते हैं कि हमारे लोकल क्षेत्रीय नेता ही हमारे स्टार प्रचारक के रूप में है। हम भाजपा की तरह नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हासिल नहीं करते, बल्कि हम लोगों के बीच जाकर लोगों के स्थानीय मुद्दों को सुनकर और उनकी समस्याओं का निवारण करके उनका विश्वास जीतते हैं। हमारे लोकल क्षेत्र नेता भी यही अपने आप में हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो मोदी जी के नाम पर यहां जीत जा रहे हैं। हम लोगों के लोकल नेता जो हैं क्षेत्र की समस्याओं के साथ हर वक्त जुड़े होते हैं।
तो वो अपना प्रचार क्यों नहीं कर सकते, वो अपने प्रचार में जा सकते हैं। और हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व तो अपने आप में क्षमता रखता है जाने की, बोलने की, उन्हें सब पहचानते हैं, तो वो जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित तो ये कैंडिडेट को कहा गया अगर उन्हें किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता है तो बताएं, उन्हें जरूर स्टार प्रचारक मिलेंगे। खबर रुड़की से है जहां मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव के चलते सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लग गए। इसी के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने लोगों को संबोधित किया। गुरुकुल नारसन में एक बड़ी जनसभा के दौरान जाट समुदाय के लोगों को संबोधित किया और बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो मंगलौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतारा है उन्हें विधानसभा के पूरे गांवों के नाम तक नहीं पता होंगे तो वे क्या क्या खाक करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है और काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अगर उनसे मंगलौर सीट में जितने गांव आते हैं अगर पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। वो गिनती खुद भी भूल गए होंगे कि कौन कौन सी विधानसभाओं में अब तक कौन कौन से जिलों में चुनाव लड़े हैं। मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, 8-27 तारीख है। मैं आपको एक टास्क देता हूं, उनसे आप 10 तारीख की सुबह को सवाल पूछिए 13 दिन बाद कि जी मंगलौर विधानसभा के सीरियली 13 गांवों के नाम बताओ, गोपालपुर, सीकर, आमखेड़ी, घोसीपुरा, मुडलाना, सिकंदरपुर, ऐसे सीरियली बताओ। अगर 13 गांवों के उन्होंने नाम 13 दिन बाद बता दिए तो मैं उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जब भी दे दूंगा। तो उत्तराखंड में आने वाले हरेला पर्व को लेकर अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ साथ सियासी दलों ने भी हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली की माने तो भाजपा सरकार ने इसे सामाजिक स्तर से उठाकर राज्य पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जबकि भाजपा ने इसे संगठन के कार्यक्रमों का हिस्सा बना लिया है। भाजपा विधायक ने यह कहा कि एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा बल्कि उन पेड़ों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। तो हरेला पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर्व को लेकर अपना बयान दिया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।